नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जगत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। महू मानपुर एक दिन पूर्व ही लूट की घटना का महू एएसपी शशिकांत कनकने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था पर्दाफाश। लूट की घटना के आरोपियों में दो अपराधी फरार थे, जिनमें से एक आरोपी अर्जुन पिता देवकरण सिंगारे निवासी गवलीपुरा मानपुर को रात मानपुर पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार किया था, जिसकी रात पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मारपीट के कारण अर्जुन की मौत हुई है। उग्र परिजनों के प्रदर्शन के मद्देनजर मानपुर थाने पर आज सुबह से ही 5 थानों का अतिरिक्त बल लगाया गया था। इस विषय पर चर्चा में एसपी इंदौर ग्रामीण ने बताया कि उक्त घटना में प्रारंभिक तौर पर मानपुर थाने के 5 पुलिसकर्मियों कमल सिंह, देवेश वर्मा, निर्भय सिंह, गजराज सोनवीर को सस्पेंड कर दिया गया है और थाना प्रभारी मानपुर विजय सिंह सिसोदिया को लाइन अटैच कर दिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम की न्यायिक जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाता है उस पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। 394 और 399 402 रन अपराधों में वांटेड था, उसको कल लेके आए थे। उससे पूछताछ की गई थी, पूछताछ करके वेपन रिकवरी के लिए टीम जा रही थी, उसमें उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको मानपुर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, वहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। उसको पीएम के लिए MYH में भेज दिया गया। न्यायिक जांच के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है, माननीय जो जिला सत्र न्यायालय ने न्यायिक जाँच के आदेश कर दिए गए। न्यायाधीश महोदय उसकी जाँच कर रहे हैं। 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और न्यायिक जो भी जाँच आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज के आदेश हो गए हैं तो माननीय न्यायाधीश जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। केस दोपहर जा रहा था, वो खुद ही आया था यहाँ पे, कोई पकड़ के नहीं लाया उसको। उसको जबरदस्ती मारा और घर पे ले जाके भी मारा। उधर आज रात को कितने पुलिस वालों ने मारा, क्या आपको क्या लगता है? 7-8 पुलिस वाले थे उसको। आपको खबर कब मिली? हम घर ही पे थे ना, घर पे ही थे, वहीं पे घर के सामने ले जाके मारा उसको, लाठी लाठी से मारा। और वहाँ से फिर हम गए दौड़ने गए तो माँ बहन की गाली दी हमको, हमको ही मारने दौड़े। और हम फिर घर में घुस गए, घर की माँ बहन को सबको उठा लो ये सब बोल के, और यहाँ पे वापस ले आए, फिर दरवाजा लगा दिया, फिर यहाँ पे आके फिर मारा उसको, रात भर मारा उसको, बिना गलती से मारा। कोई गलती नहीं थी मेरे भाई, वो खुद भाई है भाई। रात को 11:30 बजे पुलिस, इसके बाद रवि कैलाश के यहाँ गई थी, फिर रोहित को उठाया सर, छत पे सोए थे दोनों, इसके बाद फिर फिल्टर पे लाए इनको, मारा बेल्ट से मारा, फिर नीचे सुलाए, इसके बाद फिर लक्कड़ से मारा और इसके ऊपर चले थे गजराज। अभी जो मृतक था उसको कब उठाया था? इसको दो दिन पहले ही थाने पे आया, आ गया था वो खुद ही आया। हाँ, खुद ही आया था। कौन कौन से पुलिस वाले थे? पुलिस इसमें गजराज था और एक दो स्टार था, बाकी के पता नहीं। ये जब घटना हुई तब आप कहाँ थे? हम घर ही थे ना, घर ही थे, उसके आगे था, पुलिस के आगे ही थे हम। जब इनके साथ मारपीट हुई उसके बाद इनकी क्या स्थिति थी? खराब स्थिति, स्थिति खराब थी, चला रहा नहीं था इनसे, और उनको लेटाया गाड़ी में, सुलाया पुलिस वाले ने। इसके बाद बेबल कुंड ले गए, बेबल कुंड भी मारा फुले के पास, और बाबू बबलू के पास उनके साथ ऐसा हो गया उनकी रात को 12 बजे। हम खुद थे ना वहीं पे सर, खुद था मैं, और मेरा भी नाम लिखाया है इसने पुलिस वाले ने, गजराज ने धमकी दी। यहाँ से कोई हॉस्पिटल उपचार वगैरह पुलिस ने दिया था? नहीं नहीं दिया। आपका नाम बताओ? मेरा नाम पंकज सर। समय जगत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।